सुगंती सीता नदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र के दर्जनों ग्राम पंचायत के लोग ने मुख्यालय के इंदा गांव में बैंक खोलने की थी, लेकिन क्षेत्रवासियों ने मांग को प्रमुखतः उठाया था और इस मामले को लेकर जिला कलेक्टर से मुलाकात भी की गई। जुगाड़ और इंदा गांव थाना को मिलाकर 10 से 15 पंचायत एवं 30 से 35 आश्रित ग्राम आते हैं, जिनमें से विशेष पिछड़ी जनजाति कमार भुंजिया के लोग विशेष रूप से निवासरत है। नदी एवं पहाड़ी क्षेत्र से घिरे होने के कारण इस क्षेत्र के ग्रामीणों को बैंकिंग कार्य के लिए 40 से 50 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ती है। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार कलेक्टर निरंजन दास द्वारा इस ग्राम में ICICI बैंक खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई है। संबंधित बैंक से सारे अधिकारियों द्वारा ग्राम पंचायत इंदा गांव में शाखा खोलने का स्थल निरीक्षण भी किया गया था एवं ग्राम पंचायत इंदा गांव का खाता क्रमांक भी खुल चुका था, किंतु बैंक आगे की ओर संचालित नहीं हो पाया, जो कि समझ से परे है। सरकार जनता के लिए मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना चाहती है, लेकिन इंदा गांव व जुगाड़ थाना क्षेत्र में 4000 से 5000 जनसंख्या है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी होती रहती है, बशर्ते शासन प्रशासन को इस संबंध में कई बार अवगत कराया गया, लेकिन शासन प्रशासन ने इस बात से अवगत होने के बावजूद भी आज तक मांग पूरी नहीं की है, सिर्फ कागजों तक मांग सीमित है। इस संबंध में जिला उपाध्यक्ष को भी अवगत कराया गया है, लेकिन आज तक मांग अधूरी की अधूरी है। पंचायत इंदा गांव के सरपंच ने बताया कि बैंक की मांग पिछले कई वर्षों से की जा रही है, लेकिन अभी तक मांग पूरी नहीं हुई है, जिसके चलते क्षेत्र के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इस मांग को लेकर मंत्री से लेकर कलेक्टर तक को यह ज्ञापन सौंपा गया है। सभी कोशिशें नाकाम रही, लेकिन अगर मांग पूरी नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। क्या नाम है आपका? लोकूलाल वस्तिया। क्या समस्याएं हो रही है? हमारा इंदा गांव क्षेत्र में दो थाना क्षेत्र आता है, जिसमें 12-15 पंचायत आता है। हम 20-25 साल से बैंक, हॉस्पिटल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मांग करते आ रहे हैं, मुख्यमंत्री से लेकर शासन प्रशासन दे चुके हैं, लेकिन आज तक के समाधान नहीं किए हैं। और कलेक्टर निरंजन दास के द्वारा ICICI बैंक की स्वीकृति प्रदान किया गया था, आज तक नहीं खुल पाया है। हमारे नेताजी जिला पंचायत उपाध्यक्ष संजय नेताम जी को भी एप्लीकेशन दिए हैं, उसके घोषणा पत्र में भी बैंक के लिए घोषणा किया गया, आज तक पूर्ण नहीं किया गया। हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि इंदा गांव में बैंक और हॉस्पिटल जल्द से जल्द प्रारंभ किया जाए। तो कितने सालों से आपका मांग है? 20 से 25 साल हो गए हम मांग करते आ रहे हैं, और इसके विरोध में चक्का जाम भी कर चुके हैं, और ग्राम स्वराज लोक स्वराज का विरोध भी कर चुके हैं, उसके बावजूद भी नहीं हो रहा है। तो आगे आप क्या करना चाहते हैं? आगे हम यदि इस क्षेत्र में कमार भुंजिया आदिवासी लोग निवास करते हैं, बैंक और हॉस्पिटल के 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, मैनपुर या देवभोग, उस कई जचकी के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है, कई जने जचकी के समय मृत्यु हो चुका है, उसके बाद भी शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है, क्या नाम है आपका? मैं रुपेश मौसी, इंदा गांव का युवा नेता ग्राम पंचायत से। आज हमारे यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और बैंक के से जूझ रहे हैं, आज 25 साल हो गए कि आज हमारे पास बैंक और स्वास्थ्य विभाग कोई नहीं है। जी। आज 40-40 किलोमीटर तक हमको पानी बरसात नदी नाला में सबसे पार करके जाना पड़ता है। जी। हम हर सुझाव हर नेता के पास जाके गिड़गिड़ा चुके हैं, आज हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। अपने क्षेत्रीय नेता विधायक और अपने उपाध्यक्ष संजय नेताम से भी इस बात का चर्चा रखे थे, हम हर जगह से जा के आके चुके हैं, लेकिन हमारी कोई बात नहीं सुन रहे हैं। हम एक बार उग्र आंदोलन करना चाहते हैं। आज हमारा 15 पंचायत आता है, दूर दूर से 40-45 किलोमीटर तक कमार भुंजिया की जगह है, लेकिन आज तक कोई नहीं सुनते। हम लोग को बहुत परेशानी से पैसा निकालने के लिए अपनी सुविधा में करने जाना पड़ता है। आज हमारी स्थिति ऐसा है कि आज 108 ये है तो एम्बुलेंस है, उसके चलते थोड़ा जिंदगी बच रहे, नहीं तो आने वाली ज़िंदगी में हमारे लिए बहुत परेशानी हो सकता है। तो आगे आप क्या करना चाहते हैं? आगे हम लोगों का आंदोलन करके ही अपना स्वास्थ्य विभाग और बैंक का खुलवाना चाहते हैं, अगर शासन चाहे तो हमको बिना मांग से ही दे सकते हैं। जी ठीक है। पंचायत के उप सरपंच रूप सिंह बस्तिया में बोल रहा हूँ। जी। इंदा गांव में बैंक का बहुत समस्या हो रहा है, 40 किलोमीटर आना जाना पड़ता है, जो कि स्ट्री ड्रेन होने का संभावना रहता है, जंगली क्षेत्र है, 15 पंचायत आता है इंदा गांव में, इंदा गांव क्षेत्र में।
और बैंक के लिए कई बार हम शासन प्रशासन को मांग कर चुके हैं और आज तक हमारा सुनाई नहीं हो रहा है। आने जाने में बहुत परेशानी हो रहा है हमारे क्षेत्रवासी को। तो आगे आप क्या करना चाहते हैं? हम बैंक के लिए और मांग करना चाहते हैं, आगे और बढ़ना चाहते हैं, शासन प्रशासन से लड़ना चाहते हैं और जैसे मांग होना चाहिए। ठीक है।